ये लगे हुए हैं मुझे सरप्राइज देने पे, तो आई वैसे ही चाचा ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर दिया। गया मैं बस देने इनके पास मारूंगा। ये मेरा तीसरा सरप्राइज है, तो सरप्राइज दे रहे हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो रही है उत्तरकाशी से। और मौसम की बात करें तो मौसम आजकल 4-5 दिन से वैसा ही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, और बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। पर अभी स्कूल की टाइमिंग भी हो गई है, तो सभी बच्चे आने लग गए हैं। बचपन में जब हम छोटे थे और सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम बारिश होती थी तो काफ़ी गुस्सा आता था, तो इन बच्चों के मन में भी हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही थे। यहाँ पे एक साथ 2 स्कूल है, तो ये है गोपाल विद्या मंदिर और ऊपर है बाजुरिया। तो अभी हमारा अंश और अंश का दोस्त भी हो गया है तैयार। तो अंश, बारिश में स्कूल जाने का मन करता है? तो इसका करता है, कभी गुस्सा आता है ना बारिश को देख कर, तो ये लाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ने उनके पेरेंट्स आते हैं। और अभी हमारा अंश भी चले गया है, और स्कूल नज़दीक होने का ये फ़ायदा है कि हमारी चाची को छोड़ने नहीं जाना पड़ता है, बस लेने जाना पड़ता है बिट्टू को। हाँ, तो हम पहली बार इनका एडमिशन करवाने आए थे, तो सबसे अच्छा हमें यही लगा था कि नज़दीक में स्कूल है, छोड़ने जाना नहीं पड़ेगा। सैटरडे है तो आज हमारी बिट्टू की छुट्टी है, तो हमारी बिट्टू भी उठ गई है और बिट्टू की दोस्त रिधि भी आ गई है। सुबह इन दोनों के खेल भी शुरू हो गए हैं, तो अभी मेरी दादी भी उठ गई है। बिट्टू की छुट्टी है तो आज बिट्टू के सुबह सुबह उल्टे काम शुरू हो गए हैं, और अभी टाइम हो गया है सुबह के नाश्ते बनाने का। तो अभी चाची फिर से लग गई है किचन में, तो आज हमारे नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे, जिसकी तैयारी ही हो गई है। अब चाची बनाएगी गर्मा गर्म पराठे और हम हमेशा की तरह खाएंगे। और बिट्टू और रिधि लगी हुई है अपने अपने खेलों में। कभी कभी मेरे चाचा बहुत अच्छे पति देव है मेरे, बहुत अच्छे पति देव है, बहुत हेल्प करते हैं किचन का काम करना। हेल्प ये है। तो कभी अगर कोई काम आप 99% कर रहे हो, मतलब सारे किचन का 99% तो ये है। अच्छा, 99% चाचा इनकी बीवी को सब चीज बिस्तर पे मिलता है, पानी चाय नाश्ता खाना सब कुछ बिस्तर पे देते हैं। 99% में वही तो काम आता है सारे। अभी क्यों हार गए चाची आप किचन में? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, झाड़ू पोछा भी नहीं मारती हूँ। लड़ाने तो नहीं हार गया मैं। तो आज मेरे चाची चाचा दोनों लगे हुए हैं, मेरे पास बेलन इनके पास फ्राई पैन, देखते कौन जीतेगा। बिल्कुल हो जाए, आज कंपटीशन हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। पहले मैं मारूंगा, बाद में बन मुझे दर्द होगा, मेरे को मारने की शक्ति नहीं रहेगी। तो मेरे चाची चाचा मिलके काम करते हैं। तो अभी चाचा आ गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए, और चाची तो नाश्ता बना ही रही है। अब मैं अपने पापा को भी दिखाऊंगी ये वीडियो। आपको देखते हो झूठी लड़की के ब्लॉग। जी। अच्छा, पहले मेरे चाचा ने ये फ्राई पैन धोया और ये साफ नहीं धोया, इसलिए चाची ने फिर से बोला कि फिर से धुलो, तो चाचा अभी फिर से धुल रहे हैं। इससे अच्छा तो ये शादी के टाइम पे रिजल्ट कर देती मुझे। मुझे इतना दुख नहीं होता बोले जितना अभी हुआ, फ्राई पैन दोबारा धुलना पड़ रहा है। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है, तो आज के नाश्ते में चाची ने बनाए हैं गर्मा गर्म। तो चाची ने बनाए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में रायता, और चाचा ने बनाई है चाय, और मैं दादी और बिट्टू खा रहे हैं, और चाचा अभी पूजा पाठ करने के बाद खाएंगे। आज बिट्टू की छुट्टी है पर बिट्टू को स्कूल जाना है, तो अभी चाची और बिट्टू जा रही है अंश और बिट्टू की फीस जमा करने के लिए। बिट्टू स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है हमेशा। और अपने स्कूल में फीस जमा करने के बाद बिट्टू आ गई है, तो अभी हम जा रहे हैं स्नेहा लोगों के घर। तो अभी मैं अपनी चाची के घर से मिलके भी आ गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ गांव, और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी है बिट्टू को घर छोड़ने की। ठीक है, बाय। तो आज जाएगा यहाँ से सब्जी लेने के लिए, और हम जाएंगे यहाँ से बिट्टू लोगों के घर।
आज जैसे हम आए वैसे हमारे अंश की छुट्टी भी हो गई है, तो अंश भी आ गया है स्कूल से। प्रणाम। और अभी जैसे मैं यहाँ आई वैसे चाचा ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करा है, तो मुझे पता नहीं था, मैं जा रखी थी चाची लोगों के यहाँ, तो जितने में मैं वहाँ जा रखी थी चाचा ने उतने में मेरे गुलाब जामुन बनाए थे, जो कि हमारी बिट्टू खाने लग गई है। और बाकी हमारे हिस्से के ये हैं यहाँ पे। तो मेरा स्पेशल डे कल है और चाचा चाची मुझे आज से लग गए हैं सरप्राइज देने पे। और अभी हमारा अंश भी आ गया है, तो अंश भी शुरू हो गया है मेरे लिए हैं वो, ठीक है मेरे लिए भी रखो और चाची भी। क्यों? वो अपनी बेटी के लिए बना रखे वाले। तो बेटी टेस्टी हो रहे ना। सबके हाँ आएंगे घर, उनको देंगे। और चाचा ने गुलाब जामुन बनाए और सो गए, जब मैं आई तब चाचा सो गए और अभी तक मैं सो रखी थी। मुझे आज घर जाना था, पर अफसोस जिस गाड़ी में मैं जा रही थी वो गाड़ी वाला नहीं गया, तो आज मैं यहीं रुक गई हूँ। तो अभी शिवानी आ रही है फिर से, अंश और बिट्टू जा रहे हैं शिवानी को लेने के लिए। तो कल ये झल्ली बन के आई थी और अभी बिल्कुल तैयार होके आ रही है। गाइस हम मार्केट जा रहे हैं घूमने, क्योंकि आज 4-5 सालों बाद हम फिर से अपनी उत्तरकाशी की यादें ताजा करेंगे। तो अब मालूम मुझे वो पार्टी करा रही है गाइस, देखते हैं मैं खा पाती हूँ या नहीं। गाइस लास्ट टाइम मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, मैं एक ही स्लाइस खा पाई नहीं, पूरा पिज्जा मैंने खाया था। तो अभी देखते हैं ये कितना खा पाती है आज, क्योंकि जिस हिसाब से इसका शरीर खाती वैसे ठीक है ये, पर कुछ कुछ चीजें ये कम खाती है, तो इस चीज में मेरा ही फायदा होता है, मेरी पार्टी मेरे को ही खानी पड़ती है। और जब से शिवानी यहाँ आई है तब से बिट्टू लगी हुई है कि दीदी आप कितनी पतली हो, मैं आपको उठा लूंगी, तो ये लगी हुई है शिवानी को उठाने पे। बिल्कुल हो गई बार जब मैं मोटी हो क्या आऊंगी, रुक जा मेरी बेटी बोल रही है मैं उठा सकती हूं, आपकी पतली भी तो मोटी हुआ पतली है देखो गोर बेइज्जती। फिर हम चाची और चाचा के साथ बैठे रहे और अभी शाम हो गई है, तो से मैं शिवानी और बिट्टू जा रहे हैं बाजार। और जब हम उत्तरकाशी आए थे तब सबसे पहले गोपाल विद्या मंदिर ये था, फिलहाल ये अब बंद हो गया है, अब जो मेन स्कूल है वो ऊपर ही है। और जिस टाइम हम घर से निकले उस टाइम धूप लग रखी थी, पर अभी फिर से मौसम खराब हो गया है। बिट्टू आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ घूमना? से मैं आई हूँ तब से बिट्टू मेरे साथ ही, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ लगी हुई है रस्ते। तो अभी मैं और बिट्टू जा रहे हैं, यहाँ मेरी ताऊ जी की बेटी रहती है और अभी उसका ऑफिस खत्म हुआ है, तो हम आज उसको भी ले जा रहे हैं बिट्टू लोगों के घर। तो अभी हम जा रहे हैं उसके रूम पे। मेरी बहन भी कॉलोनी में रहती है, वो PWD में मेरे चाचा के साथ ही जॉब करती है, तो यहाँ है उसकी कॉलोनी। और जैसे मैं यहाँ पहुँची वैसे ही अपने घर पे ताला लगा रही है। तो ये है मेरी दीदी, यहाँ पे है मेरी बहन का उड़न खटोला। अभी हमारे साथ यहाँ से जुड़ गई है इशू और तो ये लगे हुए हैं मुझे सरप्राइज देने पे, तो अभी इन्होंने मुझे यहाँ ला दिया है। तो जब सरप्राइज इनका है तो ऑर्डर भी इनका ही होना चाहिए और पैसे भी इनके ही। मैं तो आज सिर्फ खाऊंगी। तो आज मेरी बहन ने मेरे लिए पूरा टेबल बुक करा है यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस काबिल समझने के लिए, तुझे भी ठीक है। तो इसीलिए तो शुक्रिया कर रहे हैं कि पार्टी तुम करवा रहे हो, जिंदगी भर मैंने खिलाया आज तुम खिला रहे। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे भाई बहन इतने काबिल हो गए हैं दोस्तों। पार्टी करने के बहाने ये मुझे लाए थे और जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे खुद ही हाँ मेरे पे मुंह है इसे खाने के लिए, इनका मुंह बस चलने के लिए चलता है, बोलने के लिए चलता है। सॉरी। तो अब इनका ऑर्डर आ गया, तो फटाफट हम खाना खा लेते हैं और बिट्टू हमारी लगी हुई है यहाँ पे और खा पी के अभी हम आ गए हैं घर। और अभी मेरी बहन भी आ गई है यहाँ हम सबसे मिलने के लिए। तो अंश लगा हुआ है अपना होमवर्क करने पे, तो अभी अंश ड्राइंग कर रहा है और साथ में एक और सरप्राइज चाची मेरे लिए अभी तैयार कर रही है। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरी दादी मिल रही है, क्योंकि शादी के बाद यही होता है जब बेटी मायके आती है तो गप्पे ही खत्म नहीं होती है। तो कल तक ये मेरे को स्पेशल ट्रीट करवा रहे थे हाँ, तो ये फर्क है। तो आज कोई बात नहीं, एक कभी कभी मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, तो आज मेरी बहन आई है।
हाँ, तो आज स्पेशल ट्रीटमेंट इसे दिया जा रहा है। थोड़े टाइम के बाद आज ये मुझे सरप्राइज दे दे के मुझे इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं कि उतना स्पेशल मुझे कल भी फील नहीं होगा। और मेरे चाची मुझसे इतना प्यार करते हैं कि सुबह से, भाई ये मेरा तीसरा सरप्राइज है। तो अभी चाचा ने मुझे प्रॉमिस करा था कि बेटा शाम को मैं तेरे लिए शाही पनीर बनाऊंगा, तो अभी चाचा वही बना रहे हैं। तो चाचा क्यों करते हो आप मुझसे इतना प्यार? क्योंकि बेटा जब तू वही थे ना, बड़े सरप्राइज हुए थे हम लोग। तो इसलिए हमें आदत है बोल तुझे सरप्राइज देने की। हाँ, तो उम्मीद नहीं थी बेटा हमें। किस बात की उम्मीद थी आपको? क्या चाह रहे थे आप? तो मेरे होने में बहुत बड़ी चीजें हैं जो मेरे पापा बताते हैं, तो ये लोग भी बताते हैं। तो इसलिए मेरे चाची चाचा आज लगे हुए हैं मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। तो आज मेरे चाचा, सिर्फ मेरे चाचा आज काम कर रहे हैं, वो भी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी का कल स्पेशल दिन है। तो इसलिए मेरे चाचा मेरी सेवा पे लगे हुए हैं। तो कभी कभी होना चाहिए ऐसा, है ना चाचा? मजबूरी। मैं यही बोलना चाह रही थी, अब मेरे चाचा इसको मजबूरी का नाम दे रहे हैं, पर मुझे पता है कि मेरे चाचा दिल से कर रहे हैं। ये लगभग हमने खाना खा लिया और चाचा ने बहुत ही टेस्टी पनीर बनाया था। इतनी ज्यादा सरप्राइज मिले कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और दो तीन दिन से मैं भटक भटक के थक गई। तो ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भगना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।